क्लासिकल डांसेस। ओके, एक वेबसाइट है सीसीआरटी, आई थिंक सीसीआरटी डॉट निक डॉट इन है। आप सीसीआरटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आप उसमें विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब आपको मिल जाएगी। जैसे सीसीआरटी से ली हुई है, पीडीएफ में नहीं। जैसे कि सीसीआरटी का पोर्टल खोलोगे यदि आप, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, तो आपको ये जो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन, यहाँ पर जाओगे या रिसोर्सेज में भी, यहाँ पर जाते हो तो आप, यस रिसोर्सेज में जाना होगा, रिसोर्सेज में देन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड देन क्लासिकल डांसेस, तो वहां से इजीली मिल जाएगी। हालांकि मैं गूगल ड्राइव पर भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसी वेबसाइट से ली गई है पीडीएफ। से तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बिट ऑकवर्ड टू टीच दीज थिंग्स इन क्लास। ओके, यस, एनी डाउट? सो ऑल्दो इट इज अ बिट ऑकवर्ड टू टीच दीज थिंग्स इन क्लास, बिकॉज डांसेस पढ़ाना क्लास में, भरतनाट्यम और ये सब थोड़ा टफ है, एंड बट स्टिल बिकॉज आई कैन नॉट लीव दीज थिंग्स टू यू पीपल, एंड दैट इज वाई आई एम टीचिंग यू। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं। Dances in India has a rich and vital tradition dating back to ancient times. Ancient times इसलिए बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि ये देखो हड़प्पा की डांसिंग जो गर्ल थी, इसका मतलब इसकी इमेज बनी हुई है, इसका मतलब डांस हड़प्पन टाइम से या इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम से इंपॉर्टेंट है। ओके, तब से ये परफॉर्म होता हुआ आ रहा है, तो ये सब चीजें इस बारे में भूमिका बनाई हुई है इस टॉपिक की, डांस क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट वेदास में मेंशन्ड है डांस के ऊपर। ओके, तो यहाँ कुछ हड़प्पा का भी मेंशन्ड है कि मोहनजोदड़ो में एक इमेज मिली है डांसिंग गर्ल की, ये याद रख लेना कि मोहनजोदड़ो से इमेज मिली थी। ओके, मोहनजोदड़ो साइट से डांसिंग गर्ल, ये त्रिभंगा पोजिशन में खड़ी हुई थी, देखो। लेकिन जैसे कि कुछ ट्रीटाइज इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम बात करें यदि एनिशियंट स्क्रिप्चर, यदि बात करें एनिशियंट स्क्रिप्चर की बात करें, देन हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के ऊपर यदि कोई बात करें तो इकोनॉमिक्स के ऊपर अर्थशास्त्र उसे पहले नंबर पे आता है। अर्थशास्त्र द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट अप, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑन इकोनॉमिक्स। इस तरह से हम योगा की बात करें, ओके, देन पतंजलि की, एंड इस तरह से हर टॉपिक के ऊपर, जैसे कि हम रूल्स की बात करें एनिशियंट बुक, देयर इज अ धर्मशास्त्र, ओके, स्मृति, एंड इस तरह से हर एक स्क्रिप्चर हमको, जैसे कि हम लोग आप ड्रामा की बात करें, सबसे मोस्ट फेमस ड्रामा इज दी अभिजान शकुंतलम बाय कालिदास। ओके, इस तरह से यदि डांस की बात करें, डांस के ऊपर सबसे यदि कोई बुक लिखी गई है स्पेसिफिकली डांस के ऊपर, दैट इज ए नाट्य शास्त्र। तो ये सब चीजों में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वेदास और ये सब चीजों में, वी आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस बुक नाट्य शास्त्र, बिकॉज यदि क्वेश्चन आएगा तो फिर नाट्य शास्त्र के ऊपर आएगा, या फिर आपको डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, भरतनाट्यम ये सब जो सेवन क्लासिकल या एट क्लासिकल डांस। सो ये बुक नाट्य शास्त्र लिखी थी भारत मुनि ने। ओके, एंड ट्रीटाइज का मतलब ये होता है कि सीरियस आर्ट ऑफ राइटिंग, यदि कोई सीरियसली कोई एक बुक लिखता है, कोई सीरियसली कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, उसको ट्रीटाइज बोलते हैं। ये लाइक अर्थशास्त्र इज ए ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो ये नाट्य शास्त्र, ये जो डांस के ऊपर बुक लिखी गई है, नेम इज नाट्य शास्त्र एंड इट्स रिटन बाय द भारत मुनि। जैसे कि लोक के ऊपर मनु की बुक मानी जाती है, द शोर्स बुक ऑफ द आर्ट ऑफ ड्रामा डांस एंड म्यूजिक। अब इसमें तीन वर्ड यूज हुए हैं, देखो ये बुक तीन चीजों को दिखाती है, ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। इट इज जनरली एक्सेप्टेड, इसका मतलब कार्नेटिक और वो जो म्यूजिक मिलते हैं वो भी इसमें नाट्यशास्त्र में मिल जाएंगे। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द डेट ऑफ द वर्क इज बिटवीन द सेकंड सेंचुरी बीसी टू सेकंड सेंचुरी एडी। तो इसके बीच में ये बुक लिखी गई थी इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में। एंड द नाट्यशास्त्र इज आल्सो नोन एज द फिफ्थ वेदा। चार वेदा हमें ऑलरेडी पता है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा
एंड अथर्ववेद, चारों बीच में डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट से चारों वेदों के बारे में कि कौन सा वेदा किसके ऊपर बनाया गया था। यस ऋग्वेदा वाज ओल्डेस्ट वेदा, सामवेदा वाज फॉर म्यूजिक, यजुर्वेदा वाज एक्सटेंशन ऑफ सामवेदा एंड अथर्ववेदा वाज फॉर Yajurveda was for yagyas, Atharveda is for the medical and charm. Okay, ठीक है। So और जो scheduled cast के जो basically जो जो वहाँ जो indigenous people थे जो यहाँ पर जो किसी आजकल scheduled cast बोला जाता है, तो उनके लिए उनसे related कौन सा वेदा था? जिनमें उनकी जो rituals या cultures को बताया गया था, yes which veda? Talk about that. ऋग्वेदा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अथर्ववेद, ओके। ये सब चीजें प्लीज आप नोट्स में लिखवाया मैंने आपको, हर एक चीज लिखवाई नोट्स में। प्लीज मेक श्योर कि आप नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज़ ये सब चीजें पूछ सकते हैं। अभी भी आप लोगों ने अच्छे से मेरे को समझाया नहीं है कि अथर्ववेद और यजुर्वेद में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था। सो इसको दोबारा से रिवाइज करना एंड डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। जो अथर्ववेद था बेसिकली उन्होंने जो ये जो जो चार्म्स वगैरह, ये जो इंडिजिनस लोग थे हमारे इंडिया में पहले, तो मंत्र वगैरह या कुछ ऐसे इविल फोर्सेस को पूजा करते थे, उस तरह के मंत्र वगैरह यूज करते कि किसी डिजीज को ट्रीट करना है तो आप मंत्र वगैरह पढ़ के इसको ट्रीट कर सकते हो। तो अथर्ववेद में आपने यही से बोला, इसमें वो सब मैजिकल चार्म्स और इसके बारे में बात की गई थी कैसे डिजीज को ठीक करना है। एंड यजुर्वेद में रिचुअल्स वगैरह के बारे में बात हुई थी, ओके, कैसे रिचुअल्स परफॉर्म करना है ये सब। और सामवेद ऋग्वेद था, ऋग्वेद में पोएट्री बुक थी, पोएट्रीज लिखी गई थी उसमें सरस्वती के ऊपर, जैसे अपने जो गॉड्स के ऊपर जैसे इंदिरा भगवान की बेसिकली उन्होंने बड़ाई कर रखी थी, कुछ उनको पूजे कैसे वर्शिप करना है, कैसे पोएट्री के फॉर्म में लिखा होता उस टाइम में जो लोग रहते थे उसके बारे में लिखा होता है, ऑरेंज के बारे में, काउस के बारे में, ये सब। और फिर उसको जो धुन दी गई थी, धुन मतलब उसको जो राग दिया गया था वो दिया गया था सामवेद से, कैसे धुन में गाना है इसको, ओके। तो पोएट्री पहले बिना राग के थे, जो म्यूजिकल कंसर्ट दिया गया था दैट वॉज गिवन बाय सामवेद, और वो ऋग्वेद से सारे लिए गए हैं। तो सामवेद में जो जो भी पोएट्री यूज है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं सॉन्ग्स वगैरह, ओके, लेकिन उसको धुन की फॉर्म में बेसिकली सामवेदा में इकट्ठा किया है। सो दिस आर द डिफरेंसेस, तो उसको प्लीज दोबारा से इसको रिवाइज करना चीजों को। सो चार वेद तो नाट्यशास्त्र को फिफ्थ वेद भी बोला जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर ही हैज इवॉल्वड दिस वेदा बाय टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम द ऋग्वेद, ओके, म्यूजिक फ्रॉम द सामवेद, जस्टिस फ्रॉम द यजुर्वेद एंड इमोशंस फ्रॉम द अथर्ववेद। देयर इज आल्सो अ लेजेंड दैट ब्रह्मा हिमसेल्फ रोट द नाट्य वेदा व्हिच हैज ओवर 36,000 वर्सेस, वर्सेस मतलब दोहे, कपलेट्स, ओके। एज पर द एंशिएंट ट्रीटाइज, नाट्यशास्त्र की बात हो रही है अगेन यहाँ पर, नाट्यशास्त्र क्या बोलता है, डांस इज कंसिडर्ड एज हैविंग द थ्री एस्पेक्ट्स, ये याद रखना है कि नाट्यशास्त्र में डांस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, नाट्य, नृत्य एंड नृत, नाट्य नृत्य, ओके, हिंदी में इसको लिखना आते हो आप समझ सकते हो, नाट्य नृत्य न र आदत है और य नृत्य एंड नृत्य, ओके, न र और आदत है और फिर पूरा पैर, ओके, दैट इज नृत्य बिकॉज ये हिंदी की वर्ड है। एंड नाट्य हाईलाइट्स द ड्रामेटिक एलिमेंट, तो नाट्य क्या है, नाट्य बेसिकली ड्रामा है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है एंड पूरा ड्रामा साथ में किया जाता है कि ऐसा रावण आया और ये सब किया और सीता को उठाया और ये वट्टा, तो ये नाट्य होता है। नाट्य मतलब इंग्लिश में नाट्य को मैं ट्रांसलेट करूँ दैट मीन्स ड्रामा, एंड नृत्य मीन्स नृत्य और नृत्य दोनों ही डांस है, नृत्य एंड नृत्य बोथ आर डांसेस। दोनों में फर्क क्या है कि जो नृत्य होता है उसमें साथ में एक्सप्रेशन भी दिखते हैं आप लोगों को, जैसे आईज को ब्लिंक करना और इधर उधर मूव करना आईज को और ये सब चीजें, तो नृत्य में एक्सप्रेशन, डांस विद एक्सप्रेशन दैट इज नृत्य, एंड नृत्य मीन्स एक्सप्रेशन लेस डांस, ओके, नृत्य मीन्स प्योर डांस फॉर्म दैट मीन्स देर आर नो एक्सप्रेशन एट ऑल दैट इज नृत्य। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, नोटबुक साथ में लेकर रखा बैठा करो ताकि नोटबुक में सच्ची नोट करते रहा करो।
सुनाट्य हाइलाइट्स द ड्रामेटिक एलिमेंट, जैसे मैंने बताया इसमें ड्रामा होता है, जैसे कुछ रामायण का ले लिया या कुछ कृष्ण लीला ले लिया, व्हाटएवर. एंड मोस्ट डांस फॉर्म्स डू नॉट गिव इम्फेसिस टू द एस्पेक्ट्स टुडे विद द एक्सेप्शन ऑफ डांस ड्रामा फॉर्म्स लाइक कथकली. तो ये जो नाट्य और नृत्य दोनों को एक साथ करना काफी टफ होता है, काफी टफ काम है. इसको बोलते हैं नाट्य प्लस नृत्य मीन्स ड्रामा प्लस डांस. तो ये ड्रामा प्लस डांस को परफॉर्म करना काफी टफ है. और आज के जमाने में ये डांस प्लस ड्रामा जो परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ एक ही डांस में परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कथकली. ओके, बाकी में ये अभी ये परफॉर्म अभी डांस प्लस ड्रामा इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं होते. नृत्य इज एसेंशियली एक्सप्रेशनल परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द थीम और आइडिया. तो ये नृत्य का मतलब डांस विद एक्सप्रेशन. नृत्य मीन्स प्योर डांस, देयर बॉडी मूवमेंट्स डू नॉट एक्सप्रेस एनी मूड एक्सप्रेशन और मूड. मूड मतलब भाव. नो डू दे कन्वे एनी मीनिंग. तो कुछ भी मीनिंग कन्वे नहीं करती है, आपको समझ नहीं आएगा, बस नृत्य देखने को मिलेगा आपको. लेकिन नृत्य में आप लोगों को मूड भी दिखाएगा, वो कभी ऐसे गुस्से में आ जाएगा जो डांसर होता है, कभी पोलाइटली एकदम आपको लव वाली फीलिंग दिखाएगा, और कभी कुछ वॉयलेंट हो जाएगा. इस तरह से आपको अलग अलग मूड दिखते हैं डांसर की. दैट इज इन नृत्य. नृत्य में सिर्फ आपको उसका डांस दिखे. सो टू प्रेजेंट नृत्य एंड नाट्य इफेक्टिवली डांसर शुड बी ट्रेन्ड टू कम्युनिकेट द नवरासा. यदि दोनों ये परफॉर्म करता है, नृत्य प्लस नाट्य, नाट्य प्लस दोनों परफॉर्म करने, दैट मीन्स जैसे कथकली एग्जाम्पल देंगे आपको, डांस प्लस ड्रामा दोनों परफॉर्म करना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट मूड लेके आने पड़ेंगे. डांसर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा थ्रू द नव रसास. नो रस, तो ये नो रस है जिसके साथ बेसिकली इसको दिखाना पड़ेगा अपना मूड. और इसकी फोटोज भी दे रखी है यहां पर. वन इज लव, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंगारा. तो याद रखना है कि श्रृंगारा को लव बोलते हैं. हास्य मतलब ऑब्वियसली हंसना, मतलब मर्थ. करुणा मतलब दया दिखानी, दैट इज कंपैशन. वीरा मतलब साहस दिखाना, दैट इज वैलोर. रुद्रा एंगर. भयानक फियर डर दिखना. डिस्गस्ट विभासता. अद्भुत दैट इज वंडर. आश्चर्यचकित हो जाना, दैट इज अद्भुत और वंडर. देन शांत पीसफुल पीस. इमेजेस भी दिखाई गई है, इसको देखो ध्यान से. और ये नवरस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, दिस नवरस आर परफॉर्म्ड इन द डांस ड्रामा फॉर्मेट, दैट मीन्स नाट्य प्लस नृत्य फॉर्मेट. अब ये देखो ये नवरस कैसे परफॉर्म करते हैं. श्रृंगारा क्या ना मतलब है इसका, लव. देखो इस तरह से दिखाते हैं श्रृंगारा से, किस तरह से लव को दिखाया गया. अद्भुत मीन्स वंडर. देखो डांसर ने इस तरह कर देख ले से कि उसको वो चीज अचरज हो रहा है, वंडर हो रहा है. ओके, तो उस तरह से देख रहे हैं. हास्य देखो ये हंस के दिखा रहा है डांसर. वीरा देखो वेलोर दिख रहा है डांसर की फॉर्म एक्सप्रेशन से, मूड से. रुद्र एंगर. भयानक फियर. विभत्सा डिस्गस्ट. करुणा दया दिखा रहा है, कंपैशन. एंड शांत पीस. सो दीज आर नव रसास. ओके, तो एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट द नॉट डू नॉट बिलोंग टू द नवरसास. कौन सा मिस नवरसा का पार्ट नहीं है, मे भी चार ऑप्शन आ जाए. एक तो क्वेश्चन ये सिंपल ही आ सकता है. एंड देन एन एनिशियंट क्लासिफिकेशन फॉर इट इन ऑल स्टाइल्स इन इज ऑफ तांडवा एंड लास्य. तो ये जो भी जो डांस फॉर्म्स के मूड्स देखे थे, ये तांडवा और लास्य में देखे जा सकते हैं. तो तांडवा का मतलब क्या है, मस्कुलिन डांस होता है. मस्कुलिन डांस होता है तांडवा का, तो उसमें काफी बॉडी मूवमेंट होता है और काफी हीरोइक बोल्डली इसको बेसिकली डांस को परफॉर्म करते हैं. और लास्य जो होता है वो फेमिनाइन होता है, फेमिनिन, दैट मीन्स काफी सॉफ्ट होता है, लिरिकल. फेमिनिन का मतलब नहीं कि इसको लेडीज परफॉर्म करती है, फेमिनिन का मतलब डांस थोड़ा सॉफ्ट होता है. ओके, एंड लिरिकल होता है एंड ग्रेसफुल होता है. लास्य एंड तांडवा. अभिन्न
ब्रॉडली मीन्स एक्सप्रेशन. अभिनय किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन को बोलते हैं. दिस इज अचीव्ड थ्रू अंगिका. अंगिका मतलब अपने बॉडी पार्ट से हम इसको एक्सप्रेशन को अचीव करते हैं. दिस अभिनय कैन बी अचीव्ड थ्रू बाय वेरियस मीन्स. वन इज अंगिका द बॉडी एंड लिम्स. वाचिका सोंग सोंग मतलब स्पीच से. और अहार्या से अचीव करते हैं अभिनय. कैसे दिखाएंगे? अहार्या का मतलब होता है कॉस्ट्यूम एंड एडोर्नमेंट. एडोर्नमेंट याद रखना. अंगिका का मतलब तो अंग से समय आता है कि बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं हम लोग अपने एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं. वाचका सोंग सोंग पीछे जो स्पीच बेसिकली जो बोल रहे उससे भी मूड का पता लगता है. अहार्या मतलब जो डांसर ने कॉस्ट्यूम पहन रखे उससे भी पता लगता है कि वो किस तरह का क्या वो बताना चाह रहा है. ओके, इनफैक्ट जब हम कथकली की बात करेंगे तो इसमें कॉस्ट्यूम का काफी महत्व है. ओके, देयर इज मच मोर इम्पोर्टेंस फॉर दिस कॉस्ट्यूम इन कथकली. कॉस्ट्यूम आपको दिखाऊंगा कि देखो ये आर्य से कैसे बेसिकली मूड का पता लगता है, कैसे एक्सप्रेशन का पता लगता है अभिनय में. एंड सात्विका, सात्विका मीन्स मूड्स एंड इमोशंस. ओके, तो इनसे बेसिकली अभिनय होता है. अभिनय मतलब दिस कैसे एक्सप्रेस करता है कोई इंसान. ओके, डांसर कैसे एक्सप्रेस करता है उसको अभिनय बोलते हैं. एक्टिंग, एक तरह से एक्टिंग को बोलते हैं अभिनय डेफिनेटली. तो एक्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों से यूज करते हुए एक्टिंग की जा सकती है. ओके, सो आगे चलते हैं. भारत एंड नंदीकेश्वर द मेन अथॉरिटीज कंसीव ऑफ डांस एज एन आर्ट विद यूजेस द ह्यूमन बॉडी एज अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन. द मेजर ह्यूमन यूनिट्स ऑफ द बॉडी दैट इज अंग आइडेंटिफाइड एज द हेड टॉर्सो द अपर एंड लोअर लिम्स एंड द माइनर ह्यूमन पार्ट्स उपअंग्स as all parts of face is ranging from the eyebrow to the chin and the minor joints. The further aspects of natya are the modes of the presentation and styles. There are two modes of presentation, namely the natya dharmi, which is the formalized presentation of theater. ये सब terms याद करने हैं. natya dharmi को भी लिख सकते थे, याद कर लेना इसको. natya dharmi का मतलब होता है which is the formalized presentation of the theater. तो ये जो dance format, natya dharmi means जो dance थिएटर में किए जाते हैं फॉर्मल तरीके से उसको नाट्यधर्मी बोलते हैं. और जो लोक धर्मी होते हैं वो फोक डांसेस होते हैं. वो कहीं भी परफॉर्म किया सकते हैं. आप गली के चौराहे में खड़े हुए कोई कर सकते हैं, कम्युनिटी में कोई आज बैठ के चार लोग कर सकते हैं लोक धर्मी. तो ये फॉर्मल डांस फॉर्म है जो कि थिएटर में परफॉर्म किया थी और ये चार लोग बैठ के आप उसमें डांस कर सकते हैं. दैट इज लोक धर्मी. जो कम्युनिटी बेसिकली फोक डांसेस होते हैं. द स्टाइल और वृत्तिज, तो वृत्तिज का मतलब क्या होता है? स्टाइल. Vritis is equal to style. Obviously, because there is a constraint, because हम लोग online पढ़ा रहे हैं, so everything is not possible to write. यदि हम लोग offline पढ़ा रहे थे, तो definitely मैं आपको इसका अच्छे से और लिखवा देता, notes बनाया था. But yes, you can make by yourself. तो Vritis किसको बोल सकते हैं? Style को बोल सकते हैं. Style और Vritis are classified into Kaishiki. The deft lyrical more suited to convey the lasya aspect. The Arabati, the energetic masculine, and the Sthavati, often used while depicting the rasas and the Bharati, the literally content. ये सब टर्म्स हैं, इसकी मीनिंग देख लेना आप लोग. इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वृत्ति क्या होता है. ओके, और वृत्ति को कितने पार्ट, स्टाइल ऑफ डांसर बेसिकली उसको वृत्ति बोलते हैं. कितने पार्ट क्लासिफाई किया गेम कैश की और ये सब इनकी डेफिनेशन थोड़ा देख लेना. ओके, अदरवाइज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन पूछने वाला कुछ ज्यादा इसमें है नहीं. So, अभी बात करते हैं कि कौन कौन से डांस, क्लासिकल डांस इंडिया में परफॉर्म होते हैं या कौन कौन से क्लासिकल डांस हमारे हैं. वन इज भरतनाट्यम, तमिलनाडु से बिलोंग करता है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मे बी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द क्लासिकल डांस. एंड देन कथकली केरला में होता है परफॉर्म. कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश. कथक इन यूपी नॉर्दर्न इंडिया. चार हो गए. मणिपुरी मणिपुर में होता है. ओडिशी उड़ीसा में होता है. एंड सत्रीय असम में. तो ये सात क्लासिकल डांस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन. देन देयर आर रीजनल वेरिएशंस द डांसेस, कुछ रीजनल डांसेस भी है. तो ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का. ओके, ये नाट्य शास्त्र से कैसे डांस परफॉर्म होते हैं और ये नवरस क्या होता है और कितने तरह के डांस होते हैं नाट्य नृत्य नृत्य. ओके, तो ये सब चीज इसके एक तरह से इंट्रोडक्शन था. एंड नाउ विल डिस्कस वन बाय वन द डांस फॉर्म्स, द क्लासिकल डांसेस.
एंड इनफैक्ट काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, क्लासिकल डांसेस पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट, यदि मैं 10 ईयर्स की बात करूँ तो मे बी 8 or 10 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी क्लासिकल डांस पर. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. दिस इज भारतनाट्यम. I am taking just 1 or 2 minute gap. Just coming. So, we'll start with Bharatanatyam. जैसे कि मैंने बोला कि भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. सो भरतनाट्यम डांस इज कंसिडर टू बी ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड. सेवरल टेक्स्ट बिगिनिंग विद द भारत मुनिज नाट्य शास्त्र प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दिस डांस फॉर्म. सो नाट्य शास्त्र में भी भरतनाट्यम का जिक्र हुआ है. ओके, वहां पर भी भरतनाट्यम का वर्ड यूज हुआ है नाट्यशास्त्र में. एंड दिस नाट्यशास्त्र वाज आल्सो रिटन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, उसी पीरियड में लिखा गया था. उसी पीरियड का ये असली भरतनाट्यम भी. सो द अभिनय दर्पण बाय नंदी केशवरा इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ टेक्निक एंड ग्रामर ऑफ बॉडी मूवमेंट इन भरतनाट्यम. तो जो स्पेसिफिकली भरतनाट्यम के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है तो वो है अभिनय दर्पण. अभिनय दर्पण एक टेक्स्ट है या बुक है which is written by the Nandi Keshwara. Uska writer hai Nandi Keshwara. So exam mein bhi question aata hai ki Bharatanatyam dance ki detail ya uska body grammar hai jo dance ki wo kaun si book se milti hai. The name of that book is the Abhinaya Darpan. Aur usko kisne likha tha? Nandi Keshwara. So this text is specifically for Bharatanatyam. Jo natya shastra tha wo generally dance forms, India ki dance forms ke upar. Now there is also a great deal of visual evidence of the dance form in paintings and stone and metal sculptures of Phoenician times. On the gopuras of the Chidambaram temple, one can see a series of Bharatanatyam poses, frozen in stone as it were, by the sculptor. In many other temples, the charis and the karanas of the dance are represented in sculpture, and one can make a study of the dance form. किसी को पता है चिदंबरम टेंपल के बारे में? चिदंबरम टेंपल किसने बनाया था या क्या है चिदंबरम टेम्पल? ओके, इसको भी समझ लो. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन आता है, वैसे आता है तो याद रखना कि चिदंबरम टेंपल में भरतनाट्यम की बहुत सारे स्कल्पचर्स मिलते हैं, बहुत सारी इमेजेस मिलती है भरतनाट्यम. ओके, चिदंबरम टेम्पल अभी देखते हैं हम. चिदंबरम टेम्पल है तो बड़ा चिदंबरम वर्ड का मतलब देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चिदंबरम? देयर इज वन former finance minister also Chidambaram, Congress party. So the word Chidambaram means, do words se milke bana Chidambaram. Chit meaning consciousness and ambram means sky. So sky of consciousness ko Chidambaram bola jata hai. Okay, aur ye consciousness kaise achieve ki jati hai, which is the ultimate aim when should attain according to the all Vedas and scriptures. So ये हमारा ultimate aim है
to get the consciousness. Okay. तो ये बाकी चीज आप लोग पढ़ लेना, और ये चिदंबरम टेंपल में भी याद रखना कि ये इसको नटराज टेंपल भी बोला जाता है। चिदंबरम टेंपल में बेसिकली नटराज की काफी सारी इमेजेस है, और जब हम नटराज की बात करते हो, मैं नटराज का मतलब शिवा, रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा, तो उसकी इमेजेस मिलती हैं। और कुछ और मटेरियल हमारे पास चिदंबरम टेंपल का, सो चिदंबरम टेंपल डेडिकेटेड टू नटराज शिवा, इट्स ए द्राविडियन आर्किटेक्चर। The present temple was built in the 10th century when Chidambaram was the capital of the Chola dynasty. Chidambaram Chola dynasty ki capital bhi reh chuki hai. To us time yahan par kuch temples banaye gaye the jo ki Nataraj ya Shiva ko devote hua tha, ye temple. Because ye temple Nataraj ya Shiva ko devote hua tha, usko Shiva ko dance form mein dikhaya gaya tha. To isliye Bharatanatyam dance ki bhi kafi sari image Chidambaram temple mein dekhne ko milti hai. Ye exam mein question aa sakta hai. So making it one of the oldest surviving active temple complexes in South India after its 10th century consecration by the Cholas who considered Nataraj as their family deity. So Cholas ne Nataraj ko apni family deity, kul devta, so basically consider kiya tha Nataraj ko Cholas ne. And temples mein 108 karnas ko denote kiya gaya. ओके okay. ये कुछ डांस पोस्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट भरतनाट्यम के, तो 108 डांस पोस्चर्स को करना मीन्स डांस पोस्चर्स, सो 108 डांस पोस्चर्स को दिखाया गया है चिदंबरम टेम्पल में. ओके okay. जो कि नाट्य शास्त्र से लिए गए थे भारत मुनि के, एंड दिस पोस्चर्स फॉर्म ए फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम ए क्लासिकल इंडियन डांस. भरतनाट्यम से रिलेटेड कौन सा टेम्पल है? चिदंबरम. इसमें 108 करनास दिखाए गए. नंबर 40, 40 आर डायनामिक मूवमेंट्स ऑफ द लोअर लिम्स. 40 इज दैट एक्टिविटी वेयर इन मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स फीट काफ्स हिप्स एंड केप्ट इन म्यूचुअल. तो जो लिम्स का मूवमेंट है, ओके okay, मतलब हमारी लेग्स और आर्म्स का जो मूवमेंट है उसको बेसिकली 40 बोला जाता है. तो कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना सारी लिम्स का, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द there is known as charis. And karnas, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर में पहले, कि karnas मतलब 108 transition postures हैं डांस की, उसको karnas बोला जाता है. और नाट्य शास्त्र के अंदर एक फोर्थ चैप्टर है, that is तांडवा लक्षण, उसके अंदर ये karnas के बारे में बता रखा है. और जो करना का लिटरल मीनिंग होता है डूइंग, करना. और भरतनाट्यम केस में इसको बोला जाता है डांस पोस्चर्स को करना बोला जाता है. नाउ भरतनाट्यम डांस इज नोन टू एक हार्या, नोन टू बी एक हार्या वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन ए सिंगल परफॉर्मेंस. तो भरतनाट्यम को एक हार्या डांस भी बोला जाता है, और एक हार्या का मतलब यहां डेफिनेशन दे रखी है हम लोगों को, एक हार्या का मतलब होता है कि व्हेन डांसर टेक्स, एक ही डांसर बहुत सारे रोल परफॉर्म करता है, देन उसको एक हारे डांस फॉर्म बोलते हैं, जो कि भरतनाट्यम में आपको देखने को मिलेगा. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द फेमस तंजोर क्वार्टेट अंडर द पैटर्नेज ऑफ राजा सरफोजी आर सेड टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेपर्टोयर ऑफ भरतनाट्यम डांस एज वी सी इट टुडे. ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन था ये काफी इनफैक्ट ये क्वार्टेट का मतलब चार लोग है ये, ठीक है. तंजोर के चार ये लोग थे, इन्होंने भरतनाट्यम को पॉपुलर किया था. ओके, और ये किसके अंदर आते थे? राजा सरफोजी के अंदर आते थे. इसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. ये देखो, इनको तंजोर या थंजावुर भी बोलते हैं, बिकॉज थंजावुर और तंजोर एक ही बात है. तंजोर और थंजावुर क्वार्टेट और तंजोर क्वार्टेट वर फोर ब्रदर्स, चिनाइया पोनिया सिवन सिवन दिस शिवानंदम एंड वाडी बेल्लू हु लिव्ड ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम एंड कर्नाटक म्यूजिक. तो इन्होंने भरतनाट्यम को पॉपुलर किया, इन चार लोगों ने, जिनका नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ. इनको तंजोर क्वार्टेट भी बोलते हैं, चारों भाई थे, और इनको पैटर्निज दी हुई थी राजा सरफोजी. ओके,
और इनके अंडर में रह के बेसिकली इन्होंने भरतनाट्यम को पॉपुलर किया। और उसके बाद इन द अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है, यहाँ पर 1800 समथिंग की बात हो रही है, उस टाइम ये पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद इस स्टाइल को किसने आगे बढ़ाया, देवदासिस। और देवदासिस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, यदि कुछ भी चीज समझ में ना आई आप लोगों को लगे कि दोबारा से रिपीट करनी है तो आई कैन डू दैट। सो देवदासिस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके, देवदासिस किसको बोलते थे, देवदासिस मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट कर देते थे टेम्पल्स के लिए, उनको फिर उनका वो बेसिकली देवदासी हो जाती थी। तो ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, ऋषि महाराज के जमाने से चला आ रहा है कि ऋषियों को लोग कन्या दान में दे देते थे कि ऋषियों की सेवा करेंगी, वहां पर कुछ जो भी साफ सफाई है या जो भी उनके लिए खाना वाना है जो भी बट्टा है उनके लिए कैसे दे देते। तो साउथ में ये काफी प्रचलन था इसका, देवदासी इसका। ओके, सो दैट वाज सतयुग, वहां पर बहुत अच्छा जमाना था, उस टाइम से कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी डेफिनेटली मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जब ये देवदासी ये सब पॉपुलर हुई, मतलब क्रिटिसाइज भी किया था कि देवदासी वर सम टाइम्स वर सेक्सुअली हरास्ड। ओके, सो ये साउथ इंडिया में काफी चलता था, सो वी ऑल्सो क्रिटिसाइज दिस थिंग। सो देवदासी ये भरतनाट्यम भी परफॉर्म करती थी। ओके, जो टेम्पल्स में बेसिकली जो रहती थी लेडीज, वो देवदासी वो भरतनाट्यम भी काफी उन्होंने पॉपुलर किया देवदासी ने। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, a well known name of Devadasi family is Bala Saraswati. Okay, ek ye dekho ki inne ye na ye yaad rakh lena apna naam, just a second. ye jab bhi dance shuru hota hai to ye basic standing position hoti hai dancer ki, is basic standing position ko bolte hain arai mandi। ये देखो ये बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन, इसका मतलब डांसर ये परफॉर्म करेगी, जैसे इसने ये स्टेप लिया, फर्ज करो ये हाथ अपना आगे किया, जब इसको वापस अपना स्टैंड होना है तो फिर इसी स्टैंड पोजीशन में दोबारा आ जाएगी। दिस इज अ बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन, डांस परफॉर्म करेगी वापस पोजीशन में आ जाएगी। सो इस बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन जो भरतनाट्यम की है इसको बोला जाता है अराई मंडी। अब हमें पता नहीं है क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसलिए हम उसको डिकोड कर रहे हैं, कैसे भी कुछ ना जो हम लोग करने के कर सकें उसको बेसिकली। और ये इसको अधाबू बोलते हैं, अधाबू बोलते हैं बेसिक डांस यूनिट को, छोटे मोटे जो लिम्स हिलाने हैं, लिम्स का मोशन देना है उसको, बहुत क्या कहते हैं एक बहुत सबसे स्मॉलेस्ट डांस फॉर्म है अधाबू बेसिक डांस यूनिट। ओके, इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है बॉडी का, जैसे देखो एक हाथ इन्होंने आगे किया, एक हाथ इन्होंने इसको फोल्ड कर रखा है। ओके, ये काफी बेसिक डांस है, इस बेसिक डांस यूनिट को बोलते हैं अदाब। सो आगे देखते हैं, द रिपर्टोयर ऑफ भरतनाट्यम इज एक्सटेंसिव। किसको मतलब पता है रिपर्टोयर का मतलब क्या होता है, स्किल परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन दैट इज रिपर्टोयर। हाँ, सब कह सकते हो। तो यहाँ पर हम रिपर्टोयर को बोलते हैं बेसिकली स्टॉक ऑफ प्लेस डांसेस और आइटम्स दैट ए कंपनी और ए परफॉर्मर नोज और इज प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म। उसमें हम बोलते हैं कि जो भी स्टॉक ऑफ डांस फॉर्म के लिए भी एक अलग से यूज होता है रिपर्टोयर, एक लिटरल मीनिंग भी ऐसे आपने बताया कि वैसा भी होता है, और डांसेस में भी इस रिपर्टोयर को यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि स्टॉक्स ऑफ प्लेस डांसेस और आइटम्स दैट ए कंपनी और ए परफॉर्मर नोज और इज प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म। तो जो भी जो डांस परफॉर्म करती है, जो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है या ग्रुप परफॉर्म करता है, इसको रिपर्टोयर बोला जाता है। सो द रिपर्टोयर ऑफ भरतनाट्यम इज एक्सटेंसिव, हाउएवर ए परफॉर्म मतलब काफी सारे परफॉर्मेंस दी जा सकती है भरतनाट्यम से, हाउएवर ए परफॉर्मेंस फॉलोज ए रेगुलर पैटर्न। एट फर्स्ट देयर इज एन इनवोकेशन सॉन्ग, इनवोकेशन का सॉन्ग का मतलब क्या होता है, इनवोकेशन का मतलब क्या होता है, प्रेयर करना। ओके, जैसे कुछ भी हम कुछ शुभ कार्य करते हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, तो उससे पहले प्रेयर होती है। ओके, चाहे वो गणेश वंदना हो जाए या फिर किसी और तरह की पूजा हो जाए। ओके, उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। अभी हम उस पर आ गए कि इसको परफॉर्मेंस के ऊपर आ गए, भरतनाट्यम परफॉर्म कैसे होता है ये देखने वाले हैं हम लोग।
सबसे पहले जो भरतनाट्यम परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी वो होगी इन्वोकेशन सॉन्ग्स। इन्वोकेशन सॉन्ग को एक ऐसा सॉन्ग चलाया जाएगा जिसके अंदर प्रेयर होगी भगवान की। सो इन्वोकेशन मीन्स प्रेयर, यहाँ पर मतलब आपको दिखा भी रखा है। सो आगे चलते हैं। द फर्स्ट डांस आइटम इज द अलारीपू। सबसे पहले भरतनाट्यम के अंदर जो डांस परफॉर्म होता है अलारीपू, लिटरली मीनिंग टू अडोन विद फ्लावर्स। तो उसमें फ्लावर्स का यूज किया जाता है या मे बी नहीं यूज किया था, बट एवर उसका लिटरल मीनिंग है टू अडोन विद फ्लावर्स। लेकिन अलारीपू सबसे पहले डांस जो परफॉर्म किया जाता है अलारीपू, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट पीस। सबसे पहले क्या आएगा? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन के बाद ये इन्वोकेशन के डांस नहीं था, ओके, इन्वोकेशन वाज जस्ट ए सॉन्ग दैट वाज ए टू प्रेयर। एंड सबसे पहले जो डांस फॉर्म यूज की जाती है दैट इज अलारीपू, ओके। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट पीस कंबाइनिंग ऑफ प्योर डांस विद द रिसाइटेशन ऑफ साउंड सिलेबस। और प्योर डांस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यस, नृत्य, राइट, नृत्य। सो अलारीपू इज बेसिकली प्योर डांस और नृत्य। ये जो हमने फर्स्ट डांस फॉर्म दी है ये नृत्य नहीं है, नृत्य है, ये प्योर डांस फॉर्म है। इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा डांसर का आपको, अलारीपू में सिर्फ प्योर डांस दिखेगा आपको, दैट इज नोन एज नृत्य विद द रिसाइटेशन ऑफ साउंड सिलेबल्स। उसके बाद जो आपने देखा होगा कभी लास्ट क्लास में भी टीवी पे देखा होगा, तो एक ऑर्केस्ट्रा रहता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब जो बेसिकली उसको साउंड देता है पूरी डांस परफॉर्म। उसके अलावा उस ऑर्केस्ट्रा में एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बेसिकली वट एवर जो उसको बोलता है, सिलेबल्स को बोलता है, डांस के सिलेबल्स में हर डांस परफॉर्म की डांस की हर पोस्चर की एक सिलेबल होता है। सिलेबल मतलब उसको वर्ड्स में आप रिपीट कर सकते हैं, उसने ये वर्ड बोला तो डांसर भी उसी वर्ड के ऊपर वो एक्शन लेगी, ओके। That is, तो एक person ऐसा डांस बोलता रहता है कुछ ना कुछ sound levels होते हैं, okay? And then next item, तो सबसे पहले invocation one, that is not a dance, तो सबसे पहले dance item हुई अलारीपू। अब जो second dance item होगी that is जाति स्वर्ण। Maybe इसका तो question आया याद नहीं है, yes, maybe इसका तो question आ चुका है। So जो dance performance होगी, second dance performance होगी भरतनाट्यम, that is जाति स्वर्ण। It is a short, pure dance piece performed to the accompaniment of musical notes of any rag or Carnatic music. Again, ये क्या है? Pure dance है, नृत्य है। जाति स्वरम has no साहित्य और words. इसमें कोई साहित्य नहीं है, कोई words नहीं है, कोई story नहीं है. It's just a नृत्य, pure नृत्य. यहाँ पर लिखा भी हुआ देखो, pure नृत्य है. They form the basics of training in Bharatanatyam dance. Basic dance होता है, that is जाति स्वरम. ये दो चीजें खत्म होगी। उसके बाद सोलो डांस, भरतनाट्यम लीन्स हेवली ऑन द अभिनय और माइम एस्पेक्ट ऑफ द डांस, या माइम या मिमे व्हाटएवर जो बोलते हैं, ओके। द नृत्य वेयर द डांसर एक्सप्रेसेस द साहित्य थ्रू मूवमेंट एंड मिमे, मतलब मिमे मतलब नकल करना किसी की, उसको हम बोलते हैं मिमे बोलते हैं या माइम बोलते हैं, व्हाटएवर, ओके। मिमिक्री करना या माइम करना या किसी नकल करना या किसी अभिनय को निभाना, कोई एक्टिंग करना किसी की, तो वो सब सेम चीज है, एक्टिंग, माइम, व्हाटएवर, ओके। तो यहाँ पर नृत्य स्टार्ट होता है। उसके बाद जाति स्वरण के बाद जो अभिनय किया दैट इन दैट वी स्टार्ट नृत्य। अब इसमें एक्सप्रेशन देखेंगे आप, अब इसमें एक्टिंग होगी डांसर की, ओके। अब इसमें साहित्य का भी यूज होगा, साहित्य मतलब स्टोरी जिसके ऊपर ये सारा वो डांस चलेगा। शब्दम फॉलोज द जाति स्वरम इन्हें भरतनाट्यम। तो जाति स्वरम के बाद कौन सा डांस फॉर्म आएगा? शब्दम, जिसके अंदर क्या होता है? नृत्य। द कंपनिंग सॉन्ग इज जनरली इन एडोरेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग। तो जो ज्यादातर जो सॉन्ग गाया जाता है डांस के साथ जिसमें नृत्य किया जाता है शब्दम में, वो बेसिकली एडोरेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग, मतलब वो किसी गॉड को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ गाने वाला कुछ इस तरह का सॉन्ग लेते हैं। और शब्दम परफॉर्म करने के बाद परफॉर्म किया जाता है वर्णम, और ये याद रखना कि शब्दम जो है वो सोलो डांस होता है जनरली। तो वर्णम शब्दम के बाद आएगा वर्णम, वर्णम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ द भरतनाट्यम। अब वर्णम जैसे नाम से पता लग रहा है कि अब इसमें पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। इट एनकंपासेस बोथ नृत्य एंड नृत्य एंड एपिटोमाइजेस द एसेंस ऑफ दिस क्लासिकल डांस फॉर्म। जो मेन जो आपको जो डांस सारी चीजें दिखेंगी, जिसमें पूरी स्किल्स दिखेंगी डांसर की, आपको दिखेंगी वर्णम।
इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव डांस वर्णन. ठीक है, द डांसर हियर परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड वेल ग्रेडेड रिदमिक पैटर्न्स इन टू स्पीड्स शोइंग द कंट्रोल ऑफ रिदम एंड देन गोज ऑन द डिपिक्ट इन ए वैरायटी ऑफ वेज थ्रू अभिन्न द लाइन्स ऑफ द साहित्य. They portrays the dancer's excellence in abhinaya and also reflects the endless creativity of the choreographer. The Varnam is by far one of the most beautiful composition in Indian dance. सबसे important जो dance form होती है, जिसे complicated dance form होते हैं, वो क्या Varnam. सबसे पहले अलारिप्पु के बाद dance की बात कर रहे हैं भरतनाट्यम, फिर जातिस्वरम, ये दोनों नृत्य है, फिर अब शब्दम आया, शब्द में नृत्य किया, नृत्य शब्दों के बाद वर्ण, एंड दिस इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डांस. उसका आप लोग फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं याद रखने के लिए, उस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स. सो आगे देखते हैं, छोटा छोटा सा बोझा टफ काम नहीं है ये. एक डांस में देखो इतने पेज का ये अंडा डांस खत्म हो गया भरतनाट्यम, ये बस एक फ्लो चार्ट बना लिया आपने हर एक डांस फॉर्म का, थोड़े से मीनिंग्स लिख लिए, ये आपको खत्म है ये चैप्टर. ओके, इनफैक्ट इसको जो भी साथ साथ करते रहना, और ये कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, इसको एक दफा पढ़ना ही मुश्किल है, उसके बाद याद करना इतना मुश्किल नहीं. और उसका मैं आपको हेल्प कर ही रहा हूँ, उसको डिकोड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. सो आफ्टर द स्टीरनस वर्णम द डांसर परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ अभिन्न आइटम्स एक्सप्रेसिंग ए वैरायटी ऑफ मूड्स द भाव और रस. तो वर्णम में वैरायटी ऑफ मूड्स देखेंगे आप लोगों को, इसको भाव बोला था, रस बोला था, हमने नौ रस पढ़े थे, वो सारे रस आपको वर्णन में देखने को मिल सकते हैं. इज वोवन इनटू साहित्य, और ये सारे के सारे जो रस हैं ये साहित्य के हिसाब से चलेंगे, जो भी साहित्य के कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, एक तरह से स्टोरी टेलिंग भी होगी एक तरह से. एंड देन एक्सप्रेस्ड बाय द डांसर द कॉमन पीसेस आर कीर्तनम कृतिज पद्माज एंड ज्वालिस. ओके, तो ये चार तरह के भाव आपको जनरली देखने को मिलते हैं, दैट इज कीर्तनम कीर्तिज पद्माज एंड ज्वालिस. देखेंगे इसका मतलब क्या है. कीर्तनम का मतलब ये है द टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, कीर्तनम में उस तरह के डांस होते हैं, टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ओके, एंड कृति में क्या होता है, कृति तरह ये इनफैक्ट ये अभिनय की बात करें हम लोग, तो कीर्तनम अभिनय में क्या होता है, टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कृति को इज ए कंपोजिशन इन विच द म्यूजिकल एस्पेक्ट इज हाईलाइटेड. तो कृति में क्या होता है, जो पीछे ये देखो ये जो ऑर्केस्ट्रा बैठे हुए, म्यूजिशियंस बैठे हुए, किसी ने फ्लूट पकड़ा हुआ, किसी ने मृदंगम पकड़ा हुआ. ओके, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इन लोगों ने पकड़े हुए हैं, ये जो ऑर्केस्ट्रा है, तो ये जो म्यूजिशियंस हैं ये बेसिकली जो म्यूजिकल म्यूजिक प्ले करेंगे, तो यदि उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो उसको बोलते हैं कृति, कृति काइंड ऑफ डांस, कृति काइंड ऑफ अभिनय. ये सिर्फ जो भी टर्मिनोलॉजी है ये भरतनाट्यम के लिए, याद रखना, मिक्स मत करना. So this is the meaning of kriti. Both are usually devotional in character and represents episodes from the lives of Rama, Shiva and Vishnu. ये जो कीर्तनम एंड कृति है दोनों के दोनों divine aspect को basically show करते हैं. And पद्माज एंड ज्वालिस जो बचे हुए दो हैं, पद्माज एंड ज्वालिस आर ऑन द थीम ऑफ लव ऑफ एन डिवाइन. ये जो पद्माज एंड ज्वालिस है किसके लिए फेमस है, थीम ऑफ लव के लिए, ज्यादातर वो लव मतलब किसी डिवाइन बीइंग के लिए, किसी भगवान के लिए लव दिखाना, दैट इज कॉल्ड पद्मज और ज्वालिस. ए भरतनाट्यम परफॉर्मेंस एंड्स विद ए केलाना. तो वर्णम के बाद जो डांस परफॉर्मेंस होती है सबसे लास्ट डांस परफॉर्मेंस है, दैट इज तिलाना. और तिलाना एंड जो नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग तराना यूज करते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक म्यूजिक का पार्ट है तराना, एकदम से एक लंबी सी धुन बजती है. ओके, इसको बोलते हैं तराना, एक बहुत से लंबी सी धुन बजती है और एकदम से बड़ा डांस ऐसे करके खत्म कर देते हैं डांस. ओके, तो उसको बेसिकली साउथ इंडिया में भरतनाट्यम के फॉर्म में उसी तराना को तिलाना बोला जाता है. तो दिस तिलाना हैज रिजेंबलेंस विद द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ तराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक. इट इज अ वाइब्रेंट डांस, वाइब्रेंट मतलब जल्दी जल्दी से डांस किया जाता है इसमें लास्ट में आके किलाना परफॉर्म टू दिस एकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिकल सिलेबल्स विद ए फ्यू लाइंस ऑफ साहित्य. इसमें बहुत थोड़ी सी लाइनें बोली जाती है साहित्य की स्टोरी की. द
The finale of the piece is a series of well-designed rhythmic line reaching a climax. The performance ends with Mangalam. तो ये तो लास्ट डांस क्या परफॉर्म किया हिलाना, लेकिन परफॉर्मेंस भरतन का परफॉर्मेंस यदि पूछा जाएगा तो लास्ट क्या है मंगलम। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहली परफॉर्मेंस क्या थी इन्वोकेशन प्रेयर, लेकिन पहला डांस क्या था अलारिपु। इस तरह से लास्ट परफॉर्मेंस क्या है मंगलम, लेकिन लास्ट डांस क्या है हिलाना। ओके, तो मंगलम में क्या होता है बेसिकली ब्लेसिंग्स लेते हैं गॉड्स की, अलग अलग तरीके होते हैं, कोई डांसर झुक के ब्लेसिंग्स लेता है, कोई डांसर कोई स्टैंड कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे रह के कुछ लेता है ब्लेसिंग्स कोड की, तो वो लास्ट परफॉर्मेंस होती है। बट इट्स नॉट अ डांस, मंगलम इज नॉट अ डांस, मंगलम इज जस्ट ए पोजीशन और टू टेक द ब्लेसिंग्स और एक लास्ट जो लिया जाए। सो ये फ्लो चार्ट बना लेना आप लोग, मैं प्रोडक्ट से बिट कर सकता हूँ। सो सबसे पहले अलारिपु आएगा और अलारिपु के बाद जाति स्वरम, जाति स्वरम के बाद शब्दम, शब्दम के बाद वर्णम एंड वर्णम के बाद तिलाना, और इससे पहले अलारिपु से पहले आप वो भी लिख लेना इन्वोकेशन। ओके, एंड सबसे लास्ट में फिर मंगलम, बट मंगलम एंड इन्वोकेशन आर नॉट द डांस फॉर्म्स। द कंपनिंग ऑर्केस्ट्रा कंसिस्ट्स ऑफ ए वोकलिस्ट, ए मृदंगम प्लेयर, वायलिनिस्ट और वीणा प्लेयर, ए फ्लूटिस्ट जो बांसुरी को बजाता है, ए सिंबल प्लेयर। द पर्सन हु कंडक्ट्स द डांस रिसाइटेशन इज द नट्टू वन्ना, इसको भी याद रखना आप लोगों ने, जो वो सिलेबल्स जो बोलता है डांसर के लिए जिसको डांस परफॉर्म करता है उस पर्सन को क्या बोला जाता है नट्टू वन्ना। ओके, जो बेसिकली वो जो सारे वर्ड्स वो बोलते हैं, तो इजी है भरतनाट्यम। आई थिंक आप लोगों को एक छोटा सा एक टेक्स्ट है, इतना याद कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपको एग्जाम में आएंगे तो उससे शॉर्टकट नहीं मिल सकता। ओके, दिस इज ऑल अबाउट भरतनाट्यम। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लोग मल्टीपल डांस पढ़ लेते हैं, भरतनाट्यम डांस पढ़ के आप लोगों को लग रहा हो कि इजी है कर लेंगे, बट जब दो तीन डांस पढ़ लेते हैं तो थोड़ा मिक्सअप होने लग जाता है, इसलिए इसका यही तरीका है कि आप उसको अच्छे से साथ साथ कर लो ध्यान से। तो भरतनाट्यम के बाद हम पढ़ने वाले सेकेंड इज द कथकली। नेक्स्ट इज द कथकली। ओके, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है एंड कथकली इज फेमस इन केरला। किसने कोई क्लासिकल डांस देखा क्या इनमें से, जो हमने सात क्लासिकल डांस की बात कर ली, एंड आई थिंक नॉट सेवन, देयर आर एट क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम देखे लाइट बिकनी बस स्पीक मैक एक स्पीक मैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्मली कॉलेजेस और स्कूल्स में परफॉर्म करते हैं। तो ये किसी और में देखो, लाइव देखने की बात कर रहे हैं, टीवी पे देखने की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि टीवी पे भी आप नहीं देखोगे डेफिनेटली, आपको बोरिंग लगता होगा ये सब। सो आई हैव सीन कथकली। ओके, कथकली लाइव देखे हैं मैंने एंड परफॉर्मेंस होते हुए, तो इसको अभी देखते हैं हम लोग कथकली क्या है। सो इट्स द मोस्ट ड्रामेटिक। इनफैक्ट हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में देखा था कि यदि आज के जमाने में यदि कोई सबसे ज्यादा ड्रामा नृत्य जिस सबका यूज होता है जिसमें ऐसा डांस को जिसमें नाट्य नृत्य और नृत्य तीनों का सबसे ज्यादा जिसमें यूज होता है वो है कथकली। ओके, तो सब पूरा फुल ड्रामा होता है इसमें, ड्रामा मीन्स कि पूरा नाटक होता है पूरा। सो कथकली इज द कंप्रेहेंसिव फॉर्म ऑफ डांस एंड हालांकि लेटर ईयर्स में आया था, लेट आया था काफी, बट लेकिन डेवलप सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डांस है जितने भी ये क्लासिकल डांस हम लोग पढ़ते हैं। सो देखने की कोशिश करेंगे क्या है ये। सो दिस कथकली डांस, केरला इज द होम ऑफ सेवरल ट्रेडिशनल डांस एंड डांस ड्रामा फॉर्म्स, द मोस्ट नोटेबल बींग कथकली। कथकली एज ए डांस फॉर्म पॉपुलर टूडे इज कंसिडर टू बी ऑफ कंपेरेटिवली रिसेंट ऑरिजिन, जिसमें मैंने बताया कि ये काफी लेट आया था। हाउएवर इट इज एन आर्ट विच हैज इवॉल्व फॉर मेनी सोशल एंड रिलीजियस थियोरेटिकल फॉर्म्स विच एग्जिस्टेड इन द साउदर्न रीजन इन एंशियंट टाइम्स। चकिया कुट्टू, कुड़ियाट्टम, कृष्णाट्टम,
and Ramanattam. A few of the ritual performing arts of Kerala, which have had a direct influence on the Kathakali. तो ये जो ancient dance थे केरला के, ये चार, उस time Kathakali नहीं, नाम से नहीं बोला जाता था इसको, अलग अलग एक folk dances थे, जो locally perform होते थे, उनके नाम क्या हैं? These are the four ancient dances of Kerala. Name as Chakkiyar Kuttu, Kudiyattam, Krishnattam and Ramanattam. और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके देन बना कथकली. लीजेंड हैज इट दैट द रिफ्यूजल ऑफ द जमोरिन ऑफ कैलिकट टू सेंड हिज कृष्णाट्टम ट्रूप ट्रैवनकोर सो एनग्रेज द राजा ऑफ दिस कोटाराकरा दैट ही वाज इंस्पायर्ड टू कंपोज द रामनाट्टम. तो ये अलग अलग रियासतें थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं केरला की हिस्ट्री, याद है आप लोगों को, हम लोग पढ़ चुके थे तीन चार तरह की हम लोग ने डायनेस्टी देखी थी जो केरला की थी, जो बाद में मर्ज हो गई थी, और किसने मर्ज की थी याद है कुछ आप लोगों किसी को, जब हम ट्रेवल कोर किंगडम की हिस्ट्री पढ़ रहे थे आप लोगों को याद होगा. ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना आप लोग, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं. सो दिस तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जमुरी का जो जमुरी थे कैलिकट के जो वहां के राजा थे, उन्होंने कृष्णाट्टम वहां पर फेमस था, तो उन्होंने कृष्णाट्टम ग्रुप को भेजा था कोटाकरा, राजा ऑफ कोटाकरा, वहां पर रामनाट्टम फेमस था कि उनसे सीखने के लिए. तो इस तरह से जब आपस में इंटर एक्सचेंजेस हुए ये चारों डांस, तो इससे जो डेवलप हुआ नया डांस वो था कथकली. ओके, सो इन द टेम्पल स्कल्पचर्स इन केरला एंड द फ्रिस्कोस, फ्रिस्को पता है क्या होता है? Anybody? Okay. So frescoes means a painting done rapidly in watercolor on wet plaster on a wall or ceiling, so that the color penetrates the plaster and becomes fixed as it dries. So what I would say, wet painting जो करते हैं, watercolor का use करते हैं और फिर वो watercolor को absorb कर लेते हैं wall. उसके बाद जो पेंटिंग दिखती है उसको बोलते हैं फ्रिस्को. सो फ्रिस्को इज अ स्पेसिफिक स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग. सो इस तरह के पेंटिंग्स केरला में आपको देखने को मिलेंगी, फ्रिस्कोस, इस तरह के पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, फ्रिस्कोस देखने को मिलेंगे इन दी लाइक इन दी मटेंचेरी टेम्पल ऑफ अप्रोक्सिमेटली 16th सेंचुरी, जहां पर आपको डांस सीन्स मिलेंगे. जैसे हम लोगों ने बोला कि भरतनाट्यम की डांस कहां पर देखने को मिलेगा, आपको चिदम्बरम टेम्पल. इस तरह से कथक के लिए इस तरह के जो डांस परफॉर्मेंसेज हैं आपको देखने को मिलेंगी मटेंचेरी टेम्पल. ओके, देख लेना आप, लोकेट कर लेना कि मटेंचेरी टेम्पल है कहां पर. ऑब्वियसली केरला में तो है, बट केरला में कहां पर एग्जैक्टली, सो मटेंचेरी टेम्पल में आपको कथकली की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. फॉर बॉडी मूवमेंट्स एंड कोरियोग्राफिकल पैटर्न्स, कथकली इज ऑल्सो इनडेप्टेड टू द अर्ली मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला. और जैसे बॉडी मूवमेंट होती है ये भी काफी मस्कुलिन होती है, तो ये मार्शल आर्ट से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है कथकली डांस फॉर्म. इसको भी आप हाईलाइट कर लेना, बट कथकली इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला. मार्शल आर्ट्स का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होते हैं, जैसे कि कुंग फू इज ए मार्शल आर्ट. ओके, कराटे इज ए मार्शल आर्ट, घटका इज ए मार्शल आर्ट. घटका कहाँ का है? पंजाब का. ओके, तो इस तरह से ये सारी मार्शल आर्ट्स, इस तरह से अलग इस मणिपुर में एक मार्शल आर्ट है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट्स हैं. तो ये जो केरला की जो मार्शल आर्ट है उससे ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ था कथकली. सो कथकली इज अ ब्लेंड ऑफ डांस म्यूजिक एक्टिंग एंड ड्रामेटाइज्ड स्टोरीज. इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा आपको कथकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डांस. ये डांसेस होते हैं, ये सोलो परफॉर्मेंसेज होते हैं या फिर नहीं, सोलो परफॉर्मेंस नहीं होती है, डिपेंड्स. जैसे कथकली होता है ये जनरली ग्रुप में परफॉर्म होते हैं. ओके, इसमें पूरा जैसे कि आप रामलीला देखते हो ऐसे आपको कुछ ना कुछ देखेंगे, लेकिन ये करेक्टर्स ऐसे रामलीला के नहीं होते, अलग अलग करेक्टर दिखाते हैं फिर बनाते हैं, कुछ अलग अलग स्टोरीज होती हैं, कुछ एपिक से स्टोरीज देखते हैं और उसके ऊपर फिर वो पूरा उसको डिपिक्ट करते हैं डांस फॉर्म. ओके, सो इसमें ग्रुप डांस होता है, डेफिनेटली होता है. सो इट डिपेंड्स कि किस तरह का डांस होता है. भारत में जैसे हमें देखते हैं काफी सोलो डांस काफी परफॉर्म होते हैं, लेकिन कथकली में जाते हैं वो ग्रुप डांस परफॉर्म होते हैं, बिकॉज ड्रामा करना है, ड्रामा तो एक पर्सन तो कर नहीं सकता, तो इसके ग्रुप डांस होते हैं. So which are mostly adapted from the Indian epics. So Indian epics से काफी सारी stories ली जाती हैं.
इट इज अ स्टाइलाइज्ड आर्ट फॉर्म. द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय. अभिनय के चार एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? अंगिका, आहार्य, वाचिका, सात्विका. मैंने आपको बोला अभी था कि इसको हम लोग कथकली में देखेंगे अभी थोड़ी देर में. जो आपको बता रहा था कि अंगिका मतलब क्या होता है, अंगिका मतलब जो लिंग्स का हमने देखा था, आहार्य मतलब कॉस्ट्यूम, वाचिका मतलब स्पीच, एंड सात्विका मतलब जिसकी इसको देखो डिटेल में मैंने दे रखा है, इसको पढ़ भी लेना आप राइटर को. अभिनय इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडियन एस्थेटिक्स. More accurately, it means leading an audience towards the experience of a sentiment. The concept read from the Bharat Muni's Natya Shastra. So, Abhinaya ka concept kahan se aaya tha? Natya Shastra. Used as an integral part of the all Indian classical dance styles. Abhinaya can be divided into four according to the Natya Shastra. So, Natya Shastra ke hisab se Abhinaya ko char part mein divide kiya jata hai. Acting ko char part mein divide kiya jata hai. Angika, Aarya, Vechika and Satvika. So, pehla kya hai? Angika, expression of the limbs. अंगिका अभिनय डिनोट्स द मूवमेंट्स ऑफ अंगास लाइक हेड्स, हैंड्स, वेस्ट, फेस. प्रतंगियास लाइक शोल्डर एक्सेट्रा. एडिशनल हस्तास ये सब. ओके, सेकंड है, सेकंड काइंड ऑफ अभिनय बोला जाता है वाचिका, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच. दिस वाचिका स्पीच इज यूज्ड इन द ड्रामा. Speech basically drama में use होता है generally, and also in music when the singer expresses the emotion through his singing. Okay. Now third is the costume or ahare. इस तरह के costume पहनते हैं वो भी काफी emotions produce कर सकते हैं, acting कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं. Another means of representation of the play is indeed the costumes and physical decorations of the actors, not only costume. ये जो makeup करते हैं, face makeup वगैरह करते हैं, ये भी आहारे में आ जाएगा. ओके, द डेकोरेशंस ऑफ द स्टेज दैट इज आल्सो कॉमन द आहारेस. कौन सा कर्टन लगाना है, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए थिएटर का, व्हाट एवर, दिस ऑल इज इन द आहारे. जैसे कथकली में चार डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं, चारों के कॉस्ट्यूम अलग अलग होते हैं. जैसे कि हीरो जो होता है, हीरो का कॉस्ट्यूम अलग होगा, विलेन होगा उसका कॉस्ट्यूम अलग होगा. इसके अलावा कोई और दो जिसको कुछ सपोर्टिंग करेक्टर होते हैं उसका कॉस्ट्यूम कोई और होगा. इस तरह से चार करेक्टर्स में डबल यूज होते हैं, उनका कॉस्ट्यूम आहार है अलग अलग होगा. फोर्थ अभिनय इज ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ सात्विका. सात्विका अभिनय इज द मेंटल मैसेज, इमोशन और इमेज कम्युनिकेटेड विद द ऑडियंस थ्रू द परफॉर्मर्स ऑन इनर इमोशंस. इसमें जो इनर इमोशंस दिखते हैं परफॉर्मर के, उसको बोलते हैं सात्विका. सो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ और फोर एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय दैट इज मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र. एंड इसके अलावा जो फोर एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय है उसके अलावा नृत्य, नाट्य, नृत्य और नृत्य का यूज किया जाता है. ओके, द डांसर एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू कोडिफाइड हस्त मुद्राज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्लोजली फॉलोइंग द वर्सेस. वर्सेस मतलब पदम्स. तो जैसे वो बोलेगा, जो बेसिकली सिलेबल्स को, साउंड सिलेबल्स को स्पीक करता है, जो बोलेगा उसके हर वक्त वर्सेस को, उसके बेसिकली दोहों को बेसिकली पदम्स बोला है. और उसी के साथ फिर वो जो ऑर्केस्ट्रा है वो म्यूजिक उस तरह से प्ले करता रहता है. ओके, सो कथकली ड्राइव्स इट्स टेक्सचुअल सेंशन फ्रॉम बलराम भारतम एंड हस्तलक्षण दीपिका. तो ये जो दो टेक्स्ट है इससे इसमें बेसिकली कथकली, जैसे कि हम लोगों ने भी भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा था, तो भरतनाट्यम का किसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, इस तरह से ये दो टेक्स्ट है यहाँ पर कथकली का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, कथकली की ग्रामर आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो द अटकथ सॉर्ट स्टोरीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द एपिक्स एंड मिथ्स एंड आर रिटन इन ए हाईली संस्कृताइज्ड वर्ड फॉर्म इन मलयालम. Many Malayalam writers have also contributed to the vast repertoire of Kathakali literature. Okay, so ये जो stories हैं, ये इसका नाम याद कर लेना. अटकथसोर जो stories हैं, ये basically perform की जाती है Kathakali में. Okay, तो याद कर लेना कि जो कौन सी stories इस Kathakali में perform की जाती हैं. These are the stories. और एक बात आ जाती है, हम लोग आहार के ऊपर discussion करते हैं. आहार कथकली एक विजुअल आर्ट है
ऑब्वियसली हम विजुअल आर्ट ही पढ़ रहे हैं, पूरा होल डांस फॉर्म इज अ विजुअल आर्ट, सो कथकली इज आल्सो विजुअल आर्ट इन विच आहारा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने चार तरह के भिन्या देखे थे, इसमें भी आहारा है, उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्लेस रखता है. इस तरह के कॉस्ट्यूम यूज करते हैं हम, तो हारे में क्या आ जाएगा, कॉस्ट्यूम आ जाएगी, क्या कपड़े जो पहनते हैं, मेकअप जो करते हैं वो भी आ जाएगा, उसका जो स्टेज डेकोरेशन होती है वो सब भी आ जाएगा हारे में. ओके, और ये नाट्य नाट्य करने में, मतलब नाटक करने में काम में आता है आहार. इसमें चार तरह के करेक्टर्स होते हैं, ओके, चार तरह के, जिनको अलग अलग कपड़े पहनाए जाते हैं, जिनका अलग अलग मेकअप होता है. वो चार तरह के करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पाचा, काठी, थाड़ी एंड लास्ट इज कारी और मिनुक्कू. कारी और मिनुक्कू एक ही चीज है, तो ये पांच करेक्टर होते हैं. और ये पांचों करेक्टर क्या क्या यूज है ये हम लोग देखेंगे. द फेस ऑफ द आर्टिस्ट इज पेंटेड ओवर टू अपीयर एज़ थ्रू ए मास्क इज वॉर्न. इस तरह से पेंट किया जैसे लगता है कि मास्क पहना हुआ है, ये सब देखो, ये पेंट किया हुआ है फेस के ऊपर, ये मास्क नहीं पहना हुआ फेस के ऊपर, ये पेंट किया हुआ, पेंट इस तरह से किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मास्क पहना हुआ फेस के ऊपर, ऑल्दो इट इज ए पेंट. ओके, द लिप्स द आईलैशेस एंड द आईब्रोज आर मेड टू लुक प्रोमिनेंट, ए मिक्सचर ऑफ द राइस पेस्ट एंड लाइम इज अप्लाइड टू मेक द चुट्टी. और चुट्टी का मतलब क्या होता है, फेस के जो फेशियल मेकअप होता है उसको चुट्टी बोला जाता है. चुट्टी ऑन द फेस विच हाइलाइट्स द फेशियल मेकअप, तो चुट्टी का मतलब क्या होता है, फेशियल मेकअप, जो ये फेशियल मेकअप हो रहा है इसको चुट्टी बोलते हैं. और ये किसका बनता है, राइस का बनता है, राइस की पेस्ट बना के बनाया जाता है उसका, या उसमें लाइन डाल के भी यूज करके उसको चुट्टी को बनाया जाता है, फेस मेकअप को चुट्टी बोलते हैं. अब बात करते हैं हम चार करेक्टर, हमने चार करेक्टर की बात की थी, पाचा, काठी, थाड़ी, फोर्थ इज कारी और मिनुक्कू. कथकली डांस इज चीफली इंटरप्रेटेड इन द करेक्टर इन कथकली परफॉर्मेंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड टू सात्विका, राजसिका, तामसिका. तामसिका सात्विका करेक्टर्स आर नोबल, ये तीन तरह के करेक्टर होते हैं इसमें. सात्विका करेक्टर्स आर नोबल, हीरोइक, जनरस एंड रिफाइंड. ओके, इन पाचा ग्रीन कलर डोमिनेट्स. ओके, तो जो पाचा होते हैं वो ग्रीन कलर उसमें डोमिनेट करता है. एंड कृता हेड गियर इज वोर्न बाय ऑल, तो इस स्त्री कैरेक्टर सबके पास एक हेड गियर पहना होता है, सर के ऊपर एक मुकुट से पहना होता है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कीरिता. तो ये भी याद करना कि कीरिता इज नथिंग बट ए हेड गियर वोर्न बाय ऑल कैरेक्टर्स. ओके, चारों करेक्टर से भी डिटेल आएगी, कौन सा करेक्टर किसके लिए यूज होता है, डोंट वरी. ये चार करेक्टर की हम बात की हम लोगों ने. कृष्णा एंड रामा वेयर स्पेशल क्राउन्स डेकोरेटेड विद पीकॉक फीदर्स. द नोबल करेक्टर्स लाइक इंद्र, अर्जुन एंड द देवास आर सम ऑफ द पाचा करेक्टर. तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाचा करेक्टर की. तो पाचा करेक्टर कौन से होते हैं, जो बेसिकली देव्स होते हैं, ओके, देवता होते हैं. और इनको कौन से कलर में दिखाया जाता है, इनके कॉस्ट्यूम कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं. तो फर्स्ट आप लिख सकते हो पाचा करेक्टर, इसको लिखिए लो बिकॉज इसमें से समझ में आपको कमी आएगा. सो पाचा करेक्टर्स बेसिकली देवता के करेक्टर होते हैं, जैसे कि इंद्रा, अर्जुन, ओके, और इनको ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं. कीरिता तो हेडगियर होते हैं, जो मुकुट होते हैं सबको पहनाए जाते हैं. एंड पाचा के अलावा फिर एक कहते हैं काठी. काठी क्या होता है, काठी होते हैं एंटी हीरोज. ओके, काठी होते हैं एंटी हीरोज. मतलब विलेन. सो मुझे एक बड़ी सारी काठी टाइप दिखते हैं और ये उसके लिए सब काठी करेक्टर बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ा सारे इनको घेरा दिया जाता है कॉस्ट्यूम का. हालांकि सबके को इस तरह से कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं, बट वो एक तरह से कुछ ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं, इसलिए उनको काठी बोला जाता है.
So they are the Rajasika category. They are sometimes great warriors and scholars such as Ravana, Kamsa and Shishupal. जो भी ये स्टोरीज में जो दानव होते हैं उनको दिखाने के लिए बेसिकली काठी का यूज करते हैं. ओके एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द थाड़ी कैटेगरी आर द चुआना थाड़ी रेड बियर्ड दिस ये सब थाड़ीज के कैरेक्टर होते हैं. थाड़ी को बेसिकली अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया इसने चुआना थाड़ी वेला थाड़ी एंड करुथा थाड़ी. हनुमान तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना. ओके एंड कारी जो लास्ट वाला जो करेक्टर है दैट इज दिस कारी और मिनुकू. कारी और मिनुकू किसको बोलते हैं? हु हैज मेकअप विद अ ब्लैक बेस. दे वियर ब्लैक कॉस्ट्यूम डिपिक्टिंग ए हंटर और फॉरेस्ट डिवेलर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर माइनर कैरेक्टर्स लाइक मिनुकु. तो एक तरह से ये कारी और मिनुकु दोनों अलग अलग हो गए हैं. ओके यहाँ पर इसको दोनों के अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया गया. कारी का मतलब तो क्या है? जो फॉरेस्ट डिवेलर्स इनको ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं उनका मतलब होता है ये हंटर्स है या फॉरेस्ट डिवेलर्स है, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड कारी के भी अलावा जो बहुत माइनर कैरेक्टर यूज होते हैं वो मिनुकु, जैसे वुमन एंड सेजेस जो संत महात्मा दिखाते हैं या जो वुमन दिखाते हैं वो मिनुकु से दिखाते हैं. ये सब ये कारी और मिनुकु सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं. इसके अलावा सात्विका जो कैरेक्टर होते हैं, सात्विका मीन्स हीरोज. यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, सात्विका कैरेक्टर्स आर नोबल हीरोइक जनरस एंड डिफाइंड. ओके so these are the different characters in the Kathakali. इसके अलावा इसके facial makeup की बात हुई है. the makeup of the Kathakali can be classified into Tepu, Chutikuthu and Udenkuthu. इन तीनों को भी इसने describe कर रखा है. the Tepu का मतलब क्या होता है? Tepu एक facial makeup है जो कि वो खुद करता है, जो actor होता है वो खुद Tepu करता है अपने ऊपर. okay जो चुट्टी कुत्तू होता है वो स्पेसिफिक मेकअप होता है जो एक्सपर्ट उसके ऊपर मेकअप करेगा. दोनों मेकअप है, टेपू भी मेकअप है और चुट्टी कुत्तू भी मेकअप है. टेपू वो मेकअप वो खुद करता है जो करेक्टर होता है अपने ऊपर, और जो चुट्टी कुत्तू होता है फिर वो कोई एक्सपर्ट आके उसके ऊपर मेकअप करेगा. और जो उड़ू कुत्तू है ये बेसिकली वो जो स्कर्ट पहनते हैं उसको बेसिकली ये जो स्कर्ट पहनी हुई है इसको बोलते हैं उड़तू कुत्तू. उड़तू केटू ये जो स्कर्ट्स पहनते हैं इसको बेसिकली उड़तू कुत्तू बोलते हैं. आई होप यहाँ तक आने समय आ गई होगी आप लोगों को. थोड़ा सा जैसे ये बात करते हैं कि कथकली इज ए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डांस, तो इस तरह से इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी से. ओके स्टिल वी आर ट्राइंग टू डिकोड इट. इन अदर नो अदर डांस स्टाइल इज द एंटायर बॉडी सो कंप्लीटली used completely as in Kathakali. So, puri body ka use hota hai and kafi complicated dance hai ye. The technical details cover every part of the body from facial muscles to fingers, eyes, hands and wrists. The facial muscles play an important part. The movement of the eyebrows, the eyeballs and the lower eyelids as described in the Natya Shastra are not used to such an extent in any other dance style. Sabse zyada complicated dance hai. कालासंस आर द प्योर डांस सीक्वेंसेस वेयर एक्टर इज. अभी देखेंगे कौन कौन से इसमें डांस सीक्वेंस आएंगे. जैसे मैं भरतनाट्यम में देख रहा था सबसे पहले इन्वोकेशन आता है, फिर अडारिपू आता है. ओके फिर जातिस्वरम आता है. ये सब चीजें हम लोग वहाँ पर शब्दम वर्णम ये सब पढ़ा था हम लोगों ने. इस तरह से यहाँ पर देखेंगे हम लोग कौन कौन सी डांस फॉर्म इसमें आती है. सो कालासंस आर प्योर डांस सीक्वेंसेज वेयर द एक्टर इज एट ग्रेट लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ डिस्प्ले हिज स्किल्स. द लीव्स प्योर डांस सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? ये नृत्य है. कालासम मीन्स है नृत्य. इसमें ये एक तरह से जो करेक्टर है वो खुद डांस करके दिखाएगा, अपनी स्किल्स पूरी दिखाता है वो उसमें, डांसिंग स्किल्स दिखाता है. द लीप्स क्विक टर्न्स जंप्स एंड द रिदमिक कोऑर्डिनेशन मेक कालासम से जॉय टू वॉच. ये ऑर्केस्ट्रा है, म्यूजिशियंस है. ए कथकली परफॉर्मेंस बिगिंस विद द केली कुट्टू कॉलिंग द ऑडियंस टू अटेंशन फॉलोड बाई द टोडिया. तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस कथकली जो स्टार्ट होती है दैट इज विद द केली कुट्टू.
एक तरह से ऑडियंस की अटेंशन को कैच करना, दैट इज ए केलिकुट्टू, फॉलोड बाय ए टोडियम. एंड टोडियम क्या है? इट इज ए डिवोशनल नंबर परफॉर्म्ड वेयर वन और टू करेक्टर्स इनवोक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड्स. अटेंशन लेने के बाद ऑडियंस की टोडियम होता है, गॉड्स की ब्लेसिंग ली जाती है. एंड केलिकुट्टू इज द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस डन इन द इवनिंग विद ड्रम्स एंड सिंबल्स are played for while in the courtyard. A pure mrit dance known as the Purupadu comes as a sequel to this. So Kellikuttu ke baad aata hai Purupadu, which is a mrit, pure dance form. Then the musicians and drummers hold the stage entertaining the audience with an exhibition of their skills in the Mela Padu. Uske baad jo aata hai dance hota hai Mela Padu. Tiranoku is the debut in this stage on all characters other than the Pacha or Minukku. Pacha or Minukku ke alawa जो बाकी सारे कैरेक्टर्स वो रणोत्कू में आ जाते हैं. देयर आफ्टर द प्ले ऑफ द पर्टिकुलर सीन्स वाज चोजन, प्ले बिगिंस. कथकली म्यूजिक फॉलोज द ट्रेडिशनल सोपाना स्कीम ऑफ संगीत ऑफ केरला. इट इज सेट टू बी द रिचुअल सिंगिंग ऑफ द अष्टपाडीज ऑन द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग द सेंक्टम सेंक्टोरम. ठीक है, द अष्टपाडीज क्या है बेसिकली? एक जो एक तरह से दोहे हैं जो लिखे गए हैं, ओके, तो उनको बेसिकली सिंग किया जाता है. नाउ कथकली म्यूजिक ऑल्सो यूजेस कार्नेटिक रागास, द रागा एंड द ताला कन्फर्मिंग टू द भाव रस एंड डांस पैटर्न्स. द ऑर्केस्ट्रा विच इज ऑल्सो यूज इन अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ केरला नॉर्मली कंप्राइजेस ऑफ चेंडा, मडालम, व्हाटएवर ऑल दीज नेम्स. एंड दिस इलाकियाट्टम इज द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस व्हेन द करेक्टर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एक्सीलेंस इन. तो ये सारे टर्म्स हैं, छोटे टर्म्स जो आपको याद रखनी है. ओके, व्हाट इज इलाकी आइटम एंड ये किस कौन सी डांस फॉर्म में आती है. एंड चोड़ी आइटम विच मीन्स एक्टिंग इन स्ट्रिक्ट परफॉर्मड इज द वर्स इन द पद्मास संग बाय द कंपनी म्यूजिशियंस. तो पद्मास क्या होते हैं? जो साथ में म्यूजिशियंस होते हैं जो दोहे बोलते हैं उसको पद्मास, पद्मस बोलते हैं सॉरी. ओके, और उसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट पद्मस के हिसाब से डांस करना तो उसको चोड़ी आइटम बोलते हैं. और अपनी खुद मनमर्जी से भी कोई अच्छे से उसको परफॉर्म करता है, ओके, खुद के एक्सीलेंस को अभिनय करने की जो कोशिश करता है डांसर्स को इलाकी आइटम बोलते हैं. इलाकी आइटम मतलब खुद के एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करना जो उसको सही लगता है उस तरह से डांस करना. एंड चोड़ी आइटम मतलब जो जो ऑर्केस्ट्रा है उसके हिसाब से परफॉर्म करना, दैट इज चोड़ी आइटम. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स इज अबाउट कथकली. छोटे छोटे टर्म्स होती हैं और ये जो इसमें चीजें हैं जो व्हाट इज दिस चुट्टी और व्हाट इज दिस उड़कुत्तू व्हाटएवर, ये सब चीज़ें आप लोग ये याद कर लेना आप लोग. ओके, और अभी हम लोग कुचिपुड़ी से स्टार्ट करेंगे विद इन वन और टू मिनट. ओके,
So now we'll start with the Kuchipudi, okay? अब वो इतना डीप में नहीं जाना आप लोगों को, ओके? बहुत ज्यादा डीप में मत चले जाना डांस फॉर्म में, कहीं आप लोग सच में यूट्यूब पे सर्च करके बाहर देखने लग जाओ कि कैसे परफॉर्म करते हैं, ओके? आपको बस इस सीसीआरटी को आपको फोकस करना है, उसके बाद आप क्या करना कि प्रीवियसली जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप लगा के देखना कि वो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। यदि आपको लगता है कि जिसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ आया जो आपको नहीं पता, देन यू कैन सर्च फॉर दिस, ओके? लेकिन इतना टेढ़ा मत जाना कि पूरा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी सारा समझ लेना कि क्या है। जिस बुक में जितनी चीजें देखें डर देखी वो सारी आप प्यार कर लेना, इस मोड में लेना। सो भी बात करते हैं कुचिपुड़ी, एंड कुचिपुड़ी इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ इंडियन डांस अराउंड द थर्ड एंड फोर्थ डिकेड्स ऑफ दिस सेंचुरी। It emerged out of a long, rich tradition of dance drama of the same name. The third या fourth century decade के आसपास ये evolve हुआ था कुचिपुड़ी। In fact, कुचिपुड़ी इज द नेम ऑफ ए विलेज। कुचिपुड़ी कहां से, नाम कैसे, इसका नामकरण कैसे हुआ? कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है जिसके नाम से इस डांस पर्टिकुलर डांस का नाम रखा गया था। आंध्र प्रदेश हैज ए वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांस ड्रामा विच वॉज नोन अंडर द जेनेरिक नेम ऑफ यक्षगान। इन 17th सेंचुरी कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगान वॉज कंसीव्ड By सिद्धेंद्र योगी। तो कुचिपुड़ी को डेवलप करने वाला पर्सन कौन है? सिद्धेंद्र योगी। तो ये नाम याद रखना पहले देखा आपने, जो कि एक वैष्णव धर्म को मानने वाला एक पोइट था एंड विजनरी हु हैड द कैपेसिटी टू गिव कंक्रीट शेप टू सम ऑफ हिज विजन्स। तो कुचिपुड़ी को जो उसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं जन्मदाता कह सकते हैं उसको, जिसने कुचिपुड़ी को बनाया, दैट वॉज सिद्धेंद्र योगी। He was steeped in the literary Yakshagana tradition, being guided by his guru Tirth Narayanan, Tirth Narayan Yogi, who composed the Krishna Lila Tarangani, a kavya in Sanskrit. तो ये जो सिद्धेंद्र योगी थे, इनके जो गुरु थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी, काव्य लिखा था, काव्य मीन्स एपिक, कृष्ण लीला तारंगिनी। उसी के बेसिकली उसी को ड्रामा और डांस फॉर्म में कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, ओके? और ये जो जो काव्य लिखा गया था, जो ये यक्षगान ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए काव्य लिखा गया था। नाउ व्हाट इज दिस यक्षगान? दिस इज द यक्षगान, इसका डिस्क्रिप्शन है। यक्षगान इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटक। एग्जाम में यक्षगान का क्वेश्चन आता है, मे बी आप भी गया क्वेश्चन। यक्षगान इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका। तो उसी को बेसिकली उसी ट्रेडिशनल फॉर्म से इन्फ्लुएंस होके कृष्णा लीला तरंगिणी लिखा गया था, और उसी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है कुचिपुड़ी। सो कुचिपुड़ी इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द यक्षगान। एंड व्हाट इज यक्षगान? यक्षगान इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म था यक्षगान, उसी से इन्फ्लुएंस होके कुचिपुड़ी बना। सो ये थिएटर फॉर्म का मतलब, थिएटर फॉर्म मतलब वही जो ड्रामा थिएटर में किया जाता है, ओके? थिएटर में बेसिकली जो भी ड्रामा होता है, बेसिकली हम लोग बिकॉज वी आर ऑफ न्यू जनरेशन, हम नई जनरेशन में पैदा हुए, हम लोग को नहीं पता कि ये सब क्या चीज होती है थिएटर वगैरह। अब लोग आज हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, ओके? हम जो सिनेमा और थिएटर में जो मूवीज देखते हैं, ओके? तो पहले इसी टाइप के थिएटर होते थे, पर उसमें पर्दे में मूवीज नहीं चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक मूवी नहीं चलती थी, रियल डांसर्स और एक्टर्स आके परफॉर्म करते थे, उसको बोलते हैं थिएटर फॉर्म, ओके? इनफैक्ट जो भी हमारे जो फेमस जो एक्टर्स हैं आजकल, जैसे जो भी चाहे वो परेश रावल हो, चाहे अनुपम खेर हो, ये सारे सारे इसको, या जो इरफान खान है, व्हाटएवर, इन सबको थिएटर आर्टिस्ट बोला जाता है। इसका मतलब इन लोगों ने पहले लाइव ये थिएटर इस तरह से थिएटर में जाके परफॉर्म कर, थिएटर मतलब जैसे सिनेमा हॉल की तरह होता है, ऐसे चेयर्स लगे होते हैं, वैसे ही उसमें पीछे पर्दा लगा होता है, एक कटल लगा होता है आगे, ओके? सेम वैसे ही होता है, फिर उसमें रियल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं थिएटर फॉर्म ऑफ दिस एक्टिंग।
तो जितने भी जो फेमस एक्टर्स हैं तो ये सारे थिएटरिस्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं. दैट इज व्हाई देयर एक्टिंग इज सो गुड. सो इट इज अ टेंपल आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट्स इट इज अ टेंपल आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराणस. तो ये जो पुराणस की जो स्टोरीज थी पुराण जो हम पता है हम लोग जो गुप्ता काल के बाद जो पुराण लिखे गए थे साउथ इंडिया में ओके उनकी जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज थी वो इसमें परफॉर्म की जाती. इट इज अ परफॉर्म्ड विद मैसिव हेडगियर्स. यक्षगान की बात कर रहे हैं हम लोग. इट इज अ इट परफॉर्म्ड विद मैसिव हेडगियर्स एलोबोरेट फेशियल मेकअप एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स. यूजुअली रिसाइटेड इन कन्नड बिकॉज इट इज इन ऑफ कर्नाटका. ये कन्नड परफॉर्म होता था. इट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन मलयालम एज वेल एज तुल्लु. तुल्लु इज द डायलेक्ट ऑफ द साउथ कर्नाटका. It is performed with percussion instruments like chenda, madalam, jagatta. ये सारे instruments हैं जिसका use किया जाता है यक्षगान को perform करने के. Musical instruments हैं जिनका use किया जाता है यक्षगान को perform करने के. और याद रखना कि ये question बहुत बहुत loving question है. बार बार आता रहता है exams में कि यक्षगान is a traditional theatre form of Karnataka. At least इतना याद रखना. और जो कुचिपुड़ी है इस यक्षगान से इन्फ्लुएंस्ड हुए और इसको बनाया किसने सिद्धेंद्र योगी ने. इनका जो गुरु था इन्होंने इस बुक को लिखा था काव्य को लिखा था कृष्ण लीला तारंगिणी जिसका भी यूज होता है कुचिपुड़ी को परफॉर्म करने के. नाउ इट इज सेड दैट सिद्धेंद्र योगी हैड ए ड्रीम. तो एक ऐसी मिथोलॉजिकल स्टोरी है कि सिद्धेंद्र योगी जो उसको बेसिकली कुचिपुड़ी का जन्मदाता है उसको बेसिकली एक ड्रीम आया था. भगवान कृष्णा इनको इनको ड्रीम में दिखे थे और उन्होंने बोला कि इस तरह के एक डांस फॉर्म बनाने के लिए एक तरह का डांस और ड्रामा बनाने के लिए. फिर कृष्णा ने बताया कि आप इस तरह के डांस या ड्रामा बनाओ. ए मिथ ऑफ द ब्रिंगिंग ऑफ द परिजात फ्लावर फॉर सत्य भामा द मोस्ट बिलव्ड क्वीन ऑफ कृष्णा. तो कृष्णा की जो क्वींस थी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वींस ऑफ कृष्णा. उनमें से जो सबसे फेमस क्वीन थी जो सबसे लविंग क्वीन थी कृष्णा को सबसे प्यारी जो क्वीन थी उनको सदैव सत्यभामा. तो कुचिपुड़ी जो का जो पूरा डांस है वो सारा सारा सत्यभामा करेक्टर के ऊपर ही बेसिकली बेस्ड है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सत्यभामा से रिलेटेड कौन सा डांस फॉर्म है देन योर आंसर विल बी कुचिपुड़ी. ज्यादा टाइम में पढ़ रहे हैं बिकॉज एग्जाम में भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं डांस फॉर्म्स के ऊपर. तो ये एक सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सत्यभामा डांस के ऊपर. जो डांस क्लासिकल डांस को कौन सा डांस बेस्ड है कुचिपुड़ी. तो ये थीम है बेसिक थीम है डांस की. इन कंप्लायंस विद दिस कमांड सिद्धेंद्र योगी कंपोज द भामा कलापम. उस कमांड को फॉलो करते हुए कृष्णा के कमांड को फॉलो करते हुए इन्होंने एक डांस फॉर्म कंपोज की. द नेम ऑफ द डांस फॉर्म वाज भामा कलापम विच इज टिल नाउ कंसीडर्ड द पीस ऑफ द कुचिपुड़ी रिपर्टॉयर. सिद्धेंद्र योगी इनिशिएटेड यंग ब्राह्मिन बॉयज ऑफ कुचिपुड़ी विलेज टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म हिज कंपोजिशन पर्टिकुलरली भामा कलापम. सॉरी भामा कलापम द प्रेजेंटेशन ऑफ भामा कलापम वाज ए स्टुपेंडस सक्सेस. Its aesthetic appeal was so great that the then Nawab of Golconda, Abdul Hasan, Tani Shah issued a copper plate in 1675, really granting the village Kuchipudi as the Agra Harama to the families of Brahmins. What is this? Yeah, Agra Harama or Agra Hara, ek hi cheez hai agar. Okay? Ye jo likha hua hai, Agra Haram ya Agra Hara is same thing. Now, what is Agra Hara? जो हमने बात की थी हिस्ट्री में डोनेशन ऑफ विलेज टू ब्राह्मण. राइट. जो लैंड डोनेट होती थी ब्राह्मण्स को और उसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो भी जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो भी उन्हीं के पास जाता था. जो ब्राह्मण्स थे या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स या टेम्पल है टेम्पल को भी नोट कर दिया जाता था अगर हरा. तो बेसिकली रिलीजियस पर्पज के लिए जो डोनेशन होती थी जो किंग डोनेट करता था उसको बेसिकली अगर हरा बोलते थे. और अगर हरामा भी सेम थी अगर हरा. So Kuchipudi is a village, as we have read, and this was donated as a Agra Hara to the families of Brahmins to pursue this art, which are Bhama Kalapam.
At that time, all the actors were male, and the female impersonation was of a superb quality. So male को female बना के depict किया था. To have an idea of the high standard of female impersonation, one should see Vedantam Satyanarayan Sharma. ये character है, ये person है, जो basically female का role करता था and very good character he was. Maybe उन्हीं की image हो, but we do not know ये किसकी image है. जैसे फीमेल है, जैसे सारे ये मेल मेल है, लिंक को फीमेल तरह बना दिया जाता था. ए ग्रेट कुचिपुड़ी डांसर इवन टूडे डूइंग द रोल ऑफ सत्यभामा. सत्यभामा कैसे, देखो ये सत्यभामा है और ये मेल बनती थी सत्यभामा. ये मेन करेक्टर होता था पूरी इस थीम का, कुचिपुड़ी डांस का. द फॉलोअर्स ऑफ सुरेंद्र योगी wrote several plays and the tradition of Kuchipudi dance drama continues till today. It was Lakshmi Narayan Shastri who introduced many new elements including solo dancing and training of female dancers in this dance style. Uske baad Satendra Yogi ke baad isko aur evolution hua is dance form ka, and Lakshmi Narayan Shastri ne isme females ko bhi introduce kiya is dance mein, and solo dancing ko bhi include kiya. Solo dancing was there earlier, pehle thi solo dancing, but only as part of the dance drama at appropriate sequences. लेकिन कुछ कुछ जगह भी यूज होता है, पूरा पूरा डांस सोलो डांस नहीं होता था, बट लक्ष्मी नारायण शास्त्री डिड दैट आल्सो. At times, even though the dramatic situation did not demand, solo dancing was being presented to punctuate the presentation and to enhance the appeal. One such number is Tarangam, inspired the Krishna Leela Tarangini of the तीर्थ नारायण योगी. ओके, ये भी एक अगेन एक काव्य है, दैट इज रिटन बाय द तीर्थ नारायण योगी, एंड नेम ऑफ दैट टेक्स्ट इज कृष्ण लीला तरंगिनी. टू शो द डेक्सटेरिटी ऑफ द डांसर्स इन फुटवर्क एंड द कंट्रोल एंड बैलेंस ओवर देयर बॉडीज, टेक्निक्स लाइक डांसिंग ऑन द रिम ऑफ ए ब्रास प्लेट एंड विद ए पिचर. पिचर का मतलब क्या होता है, घड़े को बोलते हैं बेसिकली, मिट्टी के बेसिकली बर्तन को पिचर बोला जाता है. तो कहते हैं कि इसमें कौन कौन सी डांस टेक्निक यूज की जाती है, जैसे कि ब्रास का प्लेट का रिम लेके उसके ऊपर डांस किया जाता है, या एंड एक बार और क्या करते हैं इसमें, जैसे कि घड़ा सर के ऊपर रख लेते हैं. ओके, एंड उसके उसको घड़े को सर के ऊपर रख के उसके बाद डांस किया जाता है, वाटर से फुल होता है पूरा घड़ा. ओके, एक्रोबेटिक डांसिंग बिकम्स पार्ट ऑफ द रेपर्टॉयर बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी. कुचिपुड़ी फुली क्रिस्टलाइज एज सेपरेट क्लासिकल सोलो डांस स्टाइल. दस देर आर नॉट टू फॉर्म्स ऑफ कुचिपुड़ी, द ट्रेडिशनल म्यूजिकल डांस ड्रामा एंड द सोलो डांस. अभी दोनों डांस फेमस है कुचिपुड़ी, एक तो ट्रेडिशनल जो सुरेंद्र योगी ने डेवलप किया था, एंड दूसरा सोलो डांस जिसको किसने डांस किया था, लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने. नाउ फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द फोर्थ डिकेड ऑफ द सेंचुरी, ए सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन सोलो रिसाइटल हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड. ए साइकिल ऑफ कुचिपुड़ी बिगिंस विद एन इनवोकेटरी नंबर. जैसे भरतनाट्यम की तरह यहां पर पहले इन्वोकेटरी परफॉर्मेंस परफॉर्म होती है, मतलब प्रे करना. इन्वोकेशन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, गणेश वंदना. सॉरी, अगले दिन इन्वोकेशन वाज लिमिटेड टू द गणेश वंदना, नाउ अदर गॉड्स आर इन्वोक. इन्वोकेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर गणेश वंदना, लेकिन पहले होती थी ये, अभी दूसरे गॉड्स को भी इन्वोकेशन किया, दूसरे गॉड्स को भी प्रेयर की जाती है. इट इज फॉलोड बाय जाप्ति स्वरम. भरतनाट्यम में इन्वोकेशन के बाद आता अलारिकू, लेकिन यहाँ पर लारी कोई नहीं आता, सीधा जाति स्वरम आ जाता है इन्वोकेशन के बाद. ये जाति स्वरम कॉमन टर्म है, भरतनाट्यम में भी यूज होती है और यहाँ पर भी यूज होती है कुचिपुड़ी में, लेकिन वहां पर बीच में लारी को आता था और यहाँ पर सीधा जाति स्वरम आ जाता है इन्वोकेशन के बाद. एंड जाति स्वरम वही सेम है, इट्स ए नृत्य प्योर डांस एंड देयर इज नो एक्सप्रेशन और मूड ऑफ द डांसर्स. एंड देन आफ्टर दिस जाति स्वरम, वहां पर भी शब्दम आता था और यहां पर वही आता है, शब्दम आता है. वन ऑफ द फेवरेट ट्रेडिशनल शब्द नंबर इज दशा पुकारा.
तो यहाँ पर जो कुचिपुड़ी में जो फेमस शब्दम के लिए जो यूज होता है साहित्य यूज होता है दशा अवतार. द शब्दम इज फॉलोड बाय नाट्य नंबर फोर कलापम. और वहां पर शब्दों के बाद वर्णम आता था जो कि कॉम्प्लिकेटेड डांस होता था. इसमें सारा कुछ देखने को मिलता है. यहाँ पर शब्दों के बाद आता है कलापम. मैंने कुछ अपनी डांसर्स प्रिफर टू परफॉर्म एंट्री ऑफ सत्यभामा फॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल डांस ड्रामा भामा कलापम. जो भामा कलापम का जो ट्रेडिशनल लिखा गया था सुरेंद्र योगी जिसको डेवलप किया था, तो वहां से जो एंट्री है जो सत्यभामा की वहां से ली है लोगों ने, वहां से लेते हैं इसलिए भामा कलापम. द सॉन्ग भमाने सत्यभामाने ट्रेडिशनल परवे शदारू the song that is rendered at the time of the entry of a character is so tuneful that its appeal is universal and ever fresh. jo song perform hota hai jab this satyabhama ki entry hoti hai to ye song perform hota hai. and what is this song? Parvesh Shadhar. aur ye kafi kehte hain ki kafi influencing song hota hai. okay, obviously we are not seeing, we cannot feel that, but yes, तो सत्यभामा की जब एंट्री होती है तो ये सॉन्ग परफॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट इज द सीक्वेंस कम्स इन ए प्योर नृत्य भिन्न अभिनय. सो नृत्य अभिनय नंबर बेस्ड ऑन द लिटररी कम म्यूजिकल फॉर्म लाइक पदम ज्वाली श्लोकम एटसेट्रा. तो मतलब कलापक के बाद ये चीजें आती हैं. ओके, in such a number each of the sung words is generated in space through dance drishya kavita. a kuchipudi cycle is usually concluded with the tarangam. usko again jaise bharatnatyam mein tilana aur tarana us tarah se ending hote hai, to yahan par bhi tarangam bajta hai, patapat se ek vibrant dance hota hai aur ye dance form khatam ho jati hai. excerpts of krishna leela tarangniya sung with this number. to isme ye tarangam ke sath ye gaya jata hai aur इस डांस की एंडिंग हो जाती है, परफॉर्मेंस की एंडिंग हो जाती है. दिस इन दिस द डांसर यूजुअली स्टैंड्स ऑन अ ब्रास प्लेट लॉकिंग द फीट इन शक्त वदनम. ओके, पाड़ा एंड मूव्स द प्लेट रिदमिकली विद ग्रेट डेक्सटेरिटी. द म्यूजिक दैट अकंपनीज द डांस इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक एंड इज डिलाइट fully syncopatic. the accompanying musicians besides the vocalist are mridangam player, now mridangam player ka use hota hai, veena or violin ka use hota hai, and there are many other instruments like cymbal player. okay, who usually conducts the orchestra and recites the solo cartus memoric reason or syllables. to ye jo main jo bolta hai sound karta hai सिलेबल्स को साउंड करते हैं, सिलेबल्स को क्या बोला जाता है यहाँ पर कुचिपुड़ी में सोलू कट्टूस. सोलू कट्टूस आर नथिंग बट दी सिलेबल्स साउंड सिलेबल्स विच इज रिसाइटेड बाय द सिंबल प्लेयर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कुचिपुड़ी डांस. ओके, एंड कुचिपुड़ी डांस के बाद हम नेक्स्ट डांस फॉर्म पढ़ेंगे कथक. इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए आप लोगों को, और उसको आप लोग कल पढ़ के आना. और पढ़ने के साथ साथ आप लोग क्या करोगे कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे जो पहले आ चुके हैं, और पिछले 8-10 साल के पेपर देखो आप लोग, उसमें किस तरह क्या रेंडर्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, एंड देन विल सी. और मैं लास्ट अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा ऑरली. ओके, इसी के ऊपर ये तीन चीज़ें मैंने आपको डांस फॉर्म्स पढ़ाई हैं. सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ के आओ कल. ओके, एंड वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डांस फॉर्म्स जो बची हुई है, जो 5 डांस फॉर्म से बची. तो ये थोड़ा ज़्यादा टफ थी. इसके बाद जो बाकी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है. कथक नॉर्थ इंडियन डांसर को आपको इजीली समय में भी आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. कृष्ण लीला का यूज़ होता है. ओके, उसके अलावा जो मोहिनी एंड मणिपुर इज रिलेटेड दिस मार्शल आर्ट्स रिलेटेड है मणिपुरी वाली, तो ज़्यादा इतनी टफ नहीं है, उसको हम ईजिली कर लेंगे. और एक दो दफा पढ़ोगे आप लोग, ये सब आप लोग को ईजी लर्न हो जाएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है. ओके, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ के. सो इज देयर एनी डाउट you want to ask or anything you want to suggest? Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.